राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित जनसभा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है और जहां पहले जनता के पास मजबूरी थी अब उनके पास एक विकल्प भी है। इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के सदस्य रानी अग्रवाल के सिंगरौली के मेयर बनने की जानकारी दी और इसे ट्रेलर बताते हुए कहा कि अब आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उनसे मैं बातचीत करने लगा। मैंने उनसे पूछा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। कहता आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। एक बेचारा मध्य प्रदेश वाला कहां जाए, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक वोटर, बेबस हो गया है मध्य प्रदेश का एक एक आदमी। कैसे बदले इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा लोगों को। चाहे कांग्रेस को वोट दो, चाहे बीजेपी को वोट दो, सरकार तो मामा की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस बार चलेगी झाड़ू। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे। और उसका ट्रेलर मिल चुका है। सिंगरौली के अंदर हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। आजादी के बाद से लेके आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था, 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो, अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। दिल्ली के लोगों ने मेरे को एक मौका दिया था, एक बार अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोग, लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका, 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से, अगले 500 और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर, क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में, वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका दे के देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। आप लोगों की समस्याएं हमारे साथ बहुत मिलती हैं। एक साल पहले पंजाब के लोगों ने श्री अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों पर विश्वास किया और 117 में से 92 सीटें हमें दी और हम पर जिम्मेदारी हमारे कंधों पर दी। एक साल में हमने 26,797 सरकारी नौकरियां दे दी। मैं ये नियुक्ति पत्र देके आपके सामने खड़ा हूं। एक साल में हमने बिजली का बिल जीरो करने का वादा किया था, आज पंजाब के 87% 87% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है जी। मैं फिर कहता हूं नीयत का फर्क है बस। भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है,
मारुथल रेगिस्तान है हमारे पास, कोयला है हमारे यहाँ धरती के नीचे, तेल हमें मिलता है धरती के नीचे से, हर किस्म का मौसम है, हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म के दरख्त हैं, और लोग बहुत देशभक्त और मेहनती हैं। बस एक चीज की कमी रह गई, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी रह गई, बस वो अगर पूरी हो जाए तो ये देश दुनिया का नंबर वन देश बनेगा, पक्का बनेगा। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें राज सर्वप्रथम। वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।